मेरी टांगें तोड़ने की कोशिश की, मेरे सिर को मारने, मुझे जान से मारने की कोशिश की। महीने भर कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिंह मिल्खा जिंदगी की जंग हार गए। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जेलसी हर जगह पे होती है। अब मैं अपने आप को बात बताता हूं कि ये 1955 की बात है, जब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था ओलंपिक गेम्स के लिए, तब की बात है कि जो लड़के मेरे से पहले 400 मीटर में फर्स्ट आते थे इंडिया के अंदर, उनको पता चला कि मिल्खा सिंह अब ऊपर आ रहा है। उन्होंने क्या किया, रात को डंडे लेके मेरी टांगें तोड़ने की कोशिश की, मेरे सिर को मारने, मुझे जान से मारने की कोशिश की। और हुआ ये कि रात को बैरक में सोए हुए थे, ये मेरे पे अटैक हुआ और वो लड़के मुझे मार के भाग गए। जब लाइट हाय हाय की आवाज आई, लाइट जली और देखा वो लड़के तो भाग गए। और कल ट्रायल थे हमारे, जाना था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मुझे मेरा कोच भी कहने लगा और डॉक्टर भी कहने लगा कि आपको बुखार है, आप मत दौड़िए। मैंने कहा नहीं जी, मैंने इतने साल मेहनत किया है, मैं दौड़ूंगा। क्योंकि उन लड़कों को मालूम था कि मिल्खा सिंह वहां फर्स्ट आएगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा, हम रह जाएंगे, इसलिए इनकी टांगे तोड़ी। ये मेरी एथलेटिक में नहीं बल्कि हॉकी में भी ये होता है, हर चीज में। अब 1948 की आप ओलंपिक गेम्स की निकाल के देख लीजिए हिस्ट्री, के ऊधम सिंह हॉकी के बेस्ट प्लेयर थे, ऊधम सिंह की उंगली तोड़ी गई। किसने तोड़ी वो उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये जेलसी हर फील्ड में है, चाहे कोई फिल्म लाइन में है, चाहे कोई किसी भी लाइन में है। हर आदमी, अब ये एक्टर अच्छा है, इससे और एक्टर जो होगा वो कहेगा मैं इससे अच्छा बन, क्या क्या चीजें वो करने की कोशिश करेगा, अब ये आप खुद समझ सकते हैं। 1960 के बाद मुझे ये नहीं मालूम कि कौन एक्टर अच्छा है, कौन डायरेक्टर अच्छा है, कौन प्रोड्यूसर अच्छा है। उससे पहले मेरे जमाने में राज कपूर हुआ करते थे, अशोक कुमार जी हुआ करते थे, डेविड हुआ करता था। तो उस जमाने में तो मैंने 1960 से पहले कुछ चंद एक फिल्म देखी, मगर उसके बाद मुझे नहीं मालूम था। मगर बेटा मेरा जो है वो गोल्फ खेलता है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि इंटरनेशनल गोल्फ का प्लेयर है। जब भी वो गोल्फ खेल के आता है, रात को शाम को एक फिल्म वो जरूर हिंदी फिल्म देखता है। तो उसने इनकी एक फिल्म देखी थी रंग दे बसंती, तो मुझे कहने लगे, अब 3-4 डायरेक्टर वहां पे बैठे हैं, तो मुझे अलग लेके चला गया। कहने लगा पापा अगर आपने अपनी स्टोरी देनी है तो वो राकेश मेहरा को ही देनी, और देनी भी 1 रुपए में, ये भी उसने कहा मुझे। मैंने कहा यार कमाल की बात कर रहे हो, लाखों 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 रुपए मिल रहे हैं और आप कह रहे हो कि जी 1 रुपए में देनी है। तो ये मेरे बेटे का फैसला था। और दूसरी चीज जो आपने कही है ये सही बात है कि मैं ये चाहता था कि जो आने वाली जनरेशन है, ये पहले भी मैंने आपसे कह दिया कि जो आने वाली जनरेशन है उस उन लोगों को मिल्खा सिंह के बारे में इतना मालूम नहीं है जो कि जितने हमारे जमाने के लोग थे उनको मालूम है। तो इसलिए ये मैंने कहानी दी और स्टोरी दी, और मैं ये चाहता था कि ये बच्चे देखेंगे, इंस्पायर होंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने देश के लिए मेडल देंगे और अपने देश का नाम जो है वो दुनिया भर में ऊंचा करेंगे।